जो मुल्क की हर तरह की संगीनियत को, उसकी सिक्योरिटी को लेकर के दिनों रात अपनी जानों को खतरे में डाल करके इस भारत देश को बचाने का काम करती है, वो कैसे लीक होती है? इस देश के अंदर आतंक मचा करके रखा हुआ है, इस देश की जनता के बीच में आतंक मचा करके रखा हुआ है, इस देश की भाईचारा के अंदर जो है आतंक मचा करके रखा हुआ है, और इस देश की सिक्योरिटी को लेकर के थ्रेट बना हुआ है। और आज भारत सरकार मुंह बन करके चुप बैठती है, अंधी गूंगी बहरी बन करके बैठती है, बड़ी शर्म की बात है। देशद्रोही अर्नब मुर्दाबाद, 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 अर्नब को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरे मुल्क की सलामती को बेचने वाला मुर्दाबाद, 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 अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अर्नब को अरेस्ट करो, अर्नब को अरेस्ट करो। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज मुल्क भर में प्रोटेस्ट कर रही है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हालिया दिनों में अर्नब गोस्वामी, जो गोदी मीडिया का एक एंकर है, जो न्यूज़ 18 का एक एंकर है, इसका एक व्हाट्सएप चैट के अंदर मालूम हुआ है कि जो कौमी सलामती, जो खुफिया, जो सिक्योरिटी की जो चीज़ें रहती है, ये बालाकोट के जो सर्जिकल स्ट्राइक था उससे 3 दिन पहले जो ना इसको इस चीज़ का पता चलता है। तो इससे हमें मालूम होता है कि हमारा नेशन कितना जो है ना ख़तरे में है, हमारा मुल्क कितनी जो है ना बड़ी संकट में जो है ना जाने वाला है। क्योंकि एक आम आदमी जो अपना असर रसूख रखने वाला गवर्नमेंट के साथ, उसको जो है ना खुफिया जो चीज़ें होती हैं, जो कौम की, हमारे मुल्क की जो सलामती की जो चीज़ें होती हैं, वो इसे पता चलती है। तो ये व्हाट्सअप चैट आने के बाद अभी तक हम देख रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से क्या भी एक एक्शन उनके ऊपर नहीं लिया जा रहा। तो इससे पता चलता है कि ये मुल्क को जो है ना एक बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पर जो है ना लेकर के जा रहे हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का यही डिमांड है कि अर्नब गोस्वामी को देशद्रोही के जो केसेस हैं UAPA के अंदर, इसको अरेस्ट किया जाए और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक हायर इंक्वायरी के तहत इसको जो है ना अरेस्ट किया जाए। आज मुल्क के अंदर जिस तरह के भी स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर के, उसको इन टाइम कैसे पता चलता है? इतनी बड़ी एजेंसीज जो मुल्क की हर तरह की संगीनियत को, उसकी सिक्योरिटी को लेकर के दिनों रात अपनी जानों को खतरे में डाल करके इस भारत देश को बचाने का काम करती है, वो कैसे लीक होती है? और ये लीक हो करके एक अदना मीडिया के पास पहुँचती है और वो 2-3 दिन पहले से ट्रायल चलाता है। और इस देश के अंदर ऐसा गोदी मीडिया जो बायास है, इस देश के अंदर आतंक मचा करके रखा हुआ है, इस देश की जनता के बीच में आतंक मचा करके रखा हुआ है, इस देश की भाईचारा के अंदर जो है आतंक मचा करके रखा हुआ है, और इस देश की सिक्योरिटी को लेकर के थ्रेट बना हुआ है, और आज भारत सरकार मुंह बन करके चुप बैठती है, अंधी गूंगी बहरी बन करके बैठती है, बड़ी शर्म की बात है। कि ये नरेंद्र मोदी का मामला नहीं है, एक होम मिनिस्टर का मामला नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का मामला है और भारतवर्ष की सिक्योरिटी का मामला है। इसको संगीनी लेने की ज़रूरत है। हम भारत सरकार से बहुत ही जिम्मेदारी से उम्मीद भी करते हैं कि पार्थोदास गुप्ता जैसे CEO बारक के, और अर्नब गोस्वामी जो बायास मीडिया चलाता है और देश के अंदर आतंक मचा करके रखा हुआ है और देश की सिक्योरिटी को थ्रेट बना हुआ है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। और ख़ास करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हम मुतालबा करते हैं SIT बनाई जाए और SIT के ज़रिए से उसके ऊपर इंक्वायरी की जाए और उसको सलाखों के पीछे डाला जाए। क्योंकि हमारा भारत हर देशवासी के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारी जो आर्मी और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज अपनी जानों के जोखिम डाल करके इस देश को बचाने के लिए, यहाँ की जनता को बचाने के लिए दिनों रात अपनी जानों को, अपने खानदान की जानों को जो है ना अपने पैरों में रोनते हुए आगे जाते हैं और देश को बचाने के लिए, उनका ये मजाक करता है और 3 दिन पहले चलाता है, हर बालाकोट का इश्यू को जो है ना वायरल करता है, ये बहुत संगीनी है। हम भारत सरकार से भी और महाराष्ट्र सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि ऐसे बयास मीडिया, ऐसे चैनल्स के ऊपर लगाम लगाई जाए और इन दोनों को, पार्थोदास गुप्ता और अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक TV का हेड करता है,
इन दोनों को जो है सलाखों के पीछे डाला जाए।